हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर आपके सामने एक रिमोट कंट्रोल सर्किट लेकर आया हूं। सर्किट में चार रिले लगे हुए हैं जिनको हम रिमोट के चार बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर सर्किट में भी आपको पुश बटन मिलेंगे चार, जिनके थ्रू हम उसी लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो पुश बटन से लोड को ऑन कर सकते हैं और रिमोट से अगेन उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होम ऑटोमेशन सर्किट मैं आपके सामने लाया हूं, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू से तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको ये रिमोट कंट्रोल किट चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मैं आपको ये रिमोट कंट्रोल किट जो है स्पीड पोस्ट से सेंड कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट रिमोट कंट्रोल किट है, जिसके अंदर क्या क्या सामान आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो कंपोनेंट्स इसको बनाने के लिए चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जिस पर नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर देंगे, ठीक है। एक ये पीसीबी है जो हमने बनवाई है आपके लिए, ताकि आप जो है आईआर रिमोट कंट्रोल सर्किट बना सके, होम ऑटोमेशन सर्किट बना सके, ठीक है। ये इस पीसीबी के ऊपर ये कंपोनेंट्स लगेंगे। कंपोनेंट्स में क्या क्या है मैं बता देता हूं। यहां पर चार रिले है, ये 12 वोल्ट के चार रिलेज है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आईआर रिमोट की आईसी है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम किया हुआ माइक्रो कंट्रोलर है, ओके, और इसका बेस है। इसके अलावा यहाँ पर चार पुश बटन आएंगे, चार पुश बटन से भी हम इसको ऑन ऑफ कर पाएंगे इन चारों रिलेज को, मतलब रिमोट के थ्रू तो ऑन ऑफ कर ही पाएंगे और पुश बटन के थ्रू भी ऑन ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा हमें इस किट में मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दो पीएफ और एक क्रिस्टल, ठीक है। और इसके अलावा ये चार एलईडीज है जो कि इंडिकेटर के रूप में काम करेंगे, कौन सा रिले ऑन है ये इंडिकेट करके बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं चार एनपीएन ट्रांसिस्टर है जो कि रिले ड्राइवर ट्रांसिस्टर रहेंगे। ये आईआर रिसीवर है टीएसओपी 1738-1738। इसके अलावा ये चार कनेक्टर्स है और कुछ रेसिस्टर्स है, ठीक है। सर्किट को बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसे बना लेंगे। आपने मेरे पिछले भी रिमोट कंट्रोल सभी वीडियोस देखे होंगे, तो वो अगर आपने देख रखे तो ये सर्किट बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सर्किट में आपके साथ में आपको मिलेगा एक ये रिमोट कंट्रोल हैंडसेट, जिसके थ्रू हम इन चारों रिलेज को ऑन ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं किस तरह से सर्किट को बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, जो पीसीबी हमें इस किट में मिली है उस पर कंपोनेंट्स कैसे असेंबल करने हैं मैं बताता हूँ। आईसी को अपनी तरफ रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे ये दो डॉट्स, जिसमें आप जो है ये कनेक्टर फिक्स कर पाएंगे। ये चारों कनेक्टर जो आप फिक्स करेंगे, ये चारों जो है एक तरह से जो स्विच होता है, स्विच में आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स होते हैं, वही दो पॉइंट्स जो है इन कनेक्टर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे किसी भी लोड के, ठीक है। तो ये कनेक्टर्स जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स कर देंगे सोल्डरिंग आयरन से। बहुत ही सावधानी से आपको और बहुत ही आराम से आपको सोल्डरिंग करनी है, किसी भी बात की जल्दबाजी न करें। आराम से एक एक कंपोनेंट को समझते हुए लगाते रहेंगे आप, और फिर आराम से इसको सोल्ड करेंगे, ठीक है। कोई भी गलत कंपोनेंट अगर आप लगा देते हैं तो उसे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग में बहुत आपका जो है टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और सर्किट भी आप खराब कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से एक एक कंपोनेंट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप सर्किट को बना पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो रिले है 5 पॉइंट वाला, ठीक है, ये यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है। इस रिले में जो इसको ऑपरेटिंग कॉइल है वो अपनी तरफ रखी है मैंने, और बाहर की तरफ जो है वो पॉइंट्स है एनसी और ओसी, ठीक है। और पोल तो सेंटर में होता है, ड्राइवर सर्किट यहाँ बनना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो डायोड लगा देते हैं, ठीक है। डायोड में आप देखेंगे कि जो नेगेटिव है वो राइट साइड में रखा है मैंने, ठीक है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है। इसी तरह से होल्ड करना है आपको, और ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको जस्ट रिले के पास में, ठीक है, इसमें यहाँ पर इस प्रकार फिक्स कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी रिले के पास भी यही डायोड जो है फिक्स हो जाएगा इस प्रकार से, और सेम फिर से एक डॉट छोड़ के अगली रिले के पास भी इसी तरह से डायोड फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इनमें नेगेटिव टर्मिनल जो है डायोड का वो हमने राइट साइड में रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिल्वर डॉट आप देख रहे होंगे, सिल्वर लाइन इस डायोड के ऊपर। अब यहाँ पर जो इसके लेग्स है उनको बेंड करके हम सोल्डर से अच्छे से फिक्स कर देंगे, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैं एक एक सोल्डरिंग आपको आसानी से दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है सर्किट बनाने में बहुत ही आसानी रहे। अगर आप ये किट परचेस करते हैं तो फिर आपको जो वीडियो है बहुत ही थॉरली देखना पड़ेगा आपको, और कौन सी सोल्डरिंग कहाँ की है, कौन सा कंपोनेंट किस हॉल में लगाया है, ये आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एलईडी लगा देते हैं। एलईडी जो है वो इंडिकेटर के रूप में, देखिए ज़रा पॉजिटिव लेग इसका नीचे की तरफ है ना, और नेगेटिव ऊपर की तरफ है, तो इसी तरह से हर एक एलईडी को यहाँ लगा देना है। इन लेग्स को यहाँ बेंड कर देंगे और बाकी की एलईडीज भी इसी प्रकार लगा देंगे। डायोड के जस्ट पास जो है वो एलईडी लग रही है, ओके ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन लेग्स को हम फिक्स कर देंगे। सर्किट बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत ही आराम से अगर आप बनाएंगे, बहुत ही धैर्यपूर्वक अगर आप सर्किट डायग्राम देखेंगे। वैसे मैंने पीसीबी डिज़ाइन कर दी, इसलिए हमने ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस जो जो कंपोनेंट जहाँ फिक्स हो रहा है हमें उसको वहाँ पर बस लगाकर सोल्ड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रेसिस्टर लगाने की जगह है। रेसिस्टर जो है ये 1K वैल्यू के हैं और इन रेसिस्टर्स को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। इन रेसिस्टर्स को लगाने के बाद भी इसके लेग्स को फिर से हम सोल्डर कर देंगे, ठीक है। इसमें सोल्डरिंग के अलावा और कुछ हमें करना ही नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा और हमें इसे सोल्डर कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान सर्किट मैंने आपके लिए बना दिया है। ये एक केवल रिमोट कंट्रोल नहीं, एक होम ऑटोमेशन सर्किट है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये रिमोट से तो ऑन ऑफ होते ही हैं रिले, ये इसके अलावा स्विच से भी होंगे, पुश स्विच से भी इनको ऑन ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए रिले ड्राइवर के लिए जो हमने यहाँ पर ट्रांसिस्टर यूज़ किया है ये है BC548, ठीक है। ये एक NPN टाइप का ट्रांसिस्टर है और ये रिले ड्राइवर के रूप में यूज़ किया गया है इस सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहीं पर हमको ये लगा देना है ट्रांसिस्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर एक रिले के सामने ये ट्रांसिस्टर लगाने के लिए 3 हॉल्स है। इसके अंदर हम ये 4 ट्रांसिस्टर लगा देंगे, हर एक के आगे एक, ठीक है। फिर इसकी पिंस को अगेन बेंड करके हम सोल्डर से फिक्स कर देंगे। रिले ड्राइवर सर्किट मैंने पहले भी बनाना सिखाया है आपको मेरे पिछले वीडियोस में, आपने देखे होंगे वो वीडियोस। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रिले ड्राइवर सर्किट कैसे काम करता है वो एक बार ज़रूर समझ ले। हालांकि इस वीडियो में तो बहुत ही आसान कर दिया मैंने सब कुछ, रिले ड्राइवर बनाना भी और रिमोट कंट्रोल IC लगाना भी, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होने चाहिए कि अगर हम ट्रांसिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, डायोड यूज़ किया है तो किस लिए किया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो वीडियो जो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। अब ये देखिए रिले के ट्रांसिस्टर के बेस से ये रेजिस्टर हमें यहाँ लगाने थे, ये 4 रजिस्टर हमने लगा दिए और ये 4 रजिस्टर जो है अब IC की पिन से कनेक्टेड है, ठीक है। जो IC है उस IC की पिन से ये रजिस्टर्स कनेक्टेड है और अब हमारा सर्किट भी आप देख सकते हैं लगभग पूरी तरह कंप्लीट हो गया। रिले मॉड्यूल तो पूरी तरह कंप्लीट हो ही गया है। अब हम यहाँ पर IC लगा देंगे। ये IC का बेस है, 28 पिन की हमारी IC है, ये 8 Mega 328 है, एक माइक्रो कंट्रोल है जो IR रिमोट के लिए हमने प्रोग्राम कर रखा है, प्री प्रोग्राम्ड है। अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और मैं ये पूरी किट आपके घर तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो IC बेस लगाने के बाद हम इसकी पिंस को अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे। पिंस बहुत ही पास होती है इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करनी रहेगी, ठीक है। कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार लगाने के बाद इन कॉन्टैक्ट्स को एक बार फिर से सही कर लेंगे आयरन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्रिस्टल लगाएंगे। क्रिस्टल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन नंबर 9 और 10 पर जगह है, ये क्रिस्टल लगाया। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में हमको यहाँ पर 2 PF लगाने हैं, 2 कैपेसिटर्स लगा रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, ठीक है। उनको यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देना है। अब इसके बाद इनको भी हम बेंड करके सोल्डर कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। इन पिंस को भी हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। मैंने आपको बेयर बोन आर्डुनो बनाना सिखाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। इसके अंदर मैंने बताया था कि ये क्रिस्टल और ये PF क्यों यूज़ किए जाते हैं।
इस आईसी के साथ, इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे। ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये क्या है कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट निकाल लेता है। ठीक है, ये सर्किट हमारा 12 वोल्ट पे वर्क करता है, इसमें से 5 वोल्ट डिडक्ट करके निकाल को पावर सप्लाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे कनेक्टर जो कि 12 वोल्ट के लिए इनपुट रहेगा। इस कनेक्टर को लगाकर हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे और इस कनेक्टर के थ्रू 12 वोल्ट आएंगे। उन 12 वोल्ट को वोल्टेज रेगुलेटर जो है 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आईसी को देगा। उसके अलावा हमारे रिले तो 12 वोल्ट के ही हैं तो वो सीधे 12 वोल्ट से चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमें रिमोट कंट्रोल का जो रिसीवर है ये लगाना है, इसका ध्यान से देखिए जरा, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, इन होल्स जरा अच्छे से देख लीजिए और ये जो इसको इस तरह से होल्ड करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो होता है ये होता है प्लस जो कि यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है माइनस जो कि यहाँ जुड़ेगा और इधर वाला जो राइट मोस्ट है वो है आउटपुट जो कि यहाँ ओ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन पिन्स को हमें जोड़ना है, तो इसको हम वायर्स के थ्रू जोड़ेंगे, डायरेक्ट सोल्डर नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तीन वायर्स लेंगे, इन तीन वायर्स की मदद से देखिए रेड वाला तो हम यहाँ प्लस में डाल देंगे। ठीक है, और इसको सोल्डर कर देंगे। ये प्लस किया हमने, ब्लैक वाला जो है हम माइनस में डाल देंगे और अगेन इसको यहाँ सोल्डर कर देंगे। और फिर हमारा जो ये ब्राउन है इसे हम आउटपुट में जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको TSOP 1738 जो हमारा IR रिसीवर था उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी। ये इसकी देखिए, ये फिर से बता रहा हूँ, अभी इस तरह से उल्टा हम इसको पकड़ते हैं तो सबसे पहले जो ये होता है प्लस, फिर होता है माइनस और राइट मोस्ट जो है वो आउटपुट। तो ये रेड वाला हम प्लस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है माइनस में और यहाँ पर जो ब्राउन है उसे हम यहाँ पर आउटपुट में जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। TSOP 1738 सेंसर को कैसे चेक करना है इसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं मैंने, आई होप आपने देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट है पूरी चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मनमोहन पाल करके आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सारे मेरे रिमोट कंट्रोल सर्किट्स भी मिल जाएंगे और आपको हर एक कंपोनेंट का यूज़ कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है वो भी मैंने उन वीडियोस में बताया है। चलिए अब यहाँ पर हम ये IR रिमोट की जो IC है इसे यहाँ फिक्स करते हैं। देखिए ये इस तरह से फिक्स होगी कि इसके सेंसर की तरफ जो है इसकी पिन नंबर 1 रहेगी IC की। ठीक है, और देख अब हम यहाँ पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसे चेक करेंगे। देखिए इसे यहाँ पे 12 वोल्ट का अडेप्टर हमने कनेक्ट किया है और अब हम एक रिमोट जो है किट में आया था इसे लेंगे और पिन बटन नंबर 1 को दबाएंगे तो आप देखेंगे पहला रिले ऑन हुआ, बटन नंबर 2 से दूसरा रिले, बटन नंबर 3 से तीसरा रिले और बटन नंबर 4 से चौथा रिले। ठीक है, उन्हीं बटन को वापस दबाने पर वो रिले ऑफ होते जाएंगे। ठीक है, अगर रिले ऑन ऑफ हो रहा है तो रिले पर लगा हुआ लोड भी ऑन ऑफ होगा, डेफिनेटली समझने की बात है। ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी आधा सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें स्विच से ऑपरेट करना है। ठीक है दोस्तों, किट में हमको जो है 4 पुश बटन मिलते हैं। ठीक है, इन चारों पुश बटन को एक 0 PCB के ऊपर इस तरह से फिक्स करेंगे। ठीक है, वैसे तो रिमोट कंट्रोल सर्किट अपने आप में कंप्लीट ही होता है, लेकिन अगर स्विच बोर्ड में स्विच ना हो तो ठीक है, हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, हमारे हाथ अपने आप स्विच बोर्ड पे बटन दबाने के लिए जाते हैं। इसलिए इन दैट केस कि अगर हमें रिमोट नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली स्विच बोर्ड पे बटन होने चाहिए ताकि हम लोड को ऑन ऑफ कर सकें। इसलिए मैंने इस माइक्रो कंट्रोलर में स्विच की प्रोग्रामिंग भी कर दी है आपके लिए ताकि आप जो है स्विच भी स्विच बोर्ड में लगा सकें, ये पुश बटन जो है आप स्विच बोर्ड में लगा सकें जिनके थ्रू अपने लोड को ऑन और ऑफ कर पाएँ। ठीक है, 4 चैनल वाला ये रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल कंप्लीट बन जाएगा इस किट के थ्रू। देखिए हमने यहाँ पर ये 4 स्विच लगा दिया, वायरिंग में यहाँ समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे, मैं जूम कर देता हूँ, जरा देखिए जरा। अभी क्या है कि हर एक स्विच के 4 पोर्ट थे, राइट, उन 4 पिंस में, यहाँ आप देखिए ये 2 पिंस दिख रही है, तो ये वाली जो पिंस है ये वाली आपस में कनेक्टेड है और ये वाली आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये 2 पिंस आपस में कनेक्टेड है और ये 2 कनेक्टेड है। ओके, ये 4 पिंस जो है एक स्विच की है, तो देखिए इस स्विच की 4 पिंस, इस स्विच की ये 4 पिंस है और इस वाले स्विच की ये 4 पिंस है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखेंगे कि हमने हर एक स्विच की लेफ्ट वाली पिन जो नीचे की तरफ है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करके इस वाइट वायर से कनेक्ट किया है, ये जो है ग्राउंड का वायर रहेगा। ठीक है, और अब जो राइट वाली पिन है ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर जो राइट वाली पिन है उसको हर एक को एक एक वायर से जोड़ दिया है। ठीक है, और अब ये 4 वायर 4 स्विच एक वाइट जो है वो कॉमन हो गया है। ठीक है, अब इसे हमें इस PCB पे कनेक्ट कर देना है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ लीजिए,
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पर ये ग्राउंड वाला एरिया है, ठीक है। ये देखेंगे आईसी का मिडिल पिन से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड है, यहाँ तक ग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हमें वाइट कनेक्ट कर देना है, वाइट वाला वायर, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड में जो इसके वायर्स देख रहे हैं 1 2 3 4, उन सभी पर ये एक एक वायर सोल्डर कर देना है, ठीक है। ये वैसे एनालॉग इनपुट की पिंस होती है, पर इसे हम यहाँ पर जो है डिजिटल इनपुट के लिए यूज करेंगे, इस रेसिस्टर के थ्रू, सॉरी इस पुश बटन्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमने ये चारों जो वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, ये चारों पुश बटन्स के वायर है, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है, कहीं पर ओवरलैपिंग या शॉर्टिंग ना हो जाए, अगर हो जाए तो उसे ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ टेस्ट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गया, हमने स्विच लगा दिए हैं और सब कुछ कंप्लीट है। अभी हम इसको वापस 12 वोल्ट देते हैं और एक बार चेक करते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर हमने इसको रखा, इसको हम हाथ से दबाएंगे एक एक बटन को, देखिए जरा इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में हम बटन ऑन ऑफ करते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर रिले ऑन ऑफ होते जाते हैं, और हम रिमोट से ऑन करके इस स्विच से भी ऑफ कर सकते हैं। फिर से देखिए, ये बटन मैंने दबाया, ये ऑन हुआ, अब इसको मैं रिमोट के बटन नंबर 2 से ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से ये वाला बटन दबाया तो इसको रिमोट के 4 नंबर के बटन से मैं ऑफ कर पाऊंगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा, हम रिमोट से ऑन करके स्विच से ऑफ कर सकते हैं, स्विच से ऑन करके रिमोट से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से 2-way स्विच हो गए हैं, कहीं से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें लगे हुए रिले को, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा सर्किट, आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। तो अगर आप ये किट परचेस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दीजिए, पेमेंट आप पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, और ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लोड लगा लेते हैं, एसी है ना, 220 वोल्ट का एसी लोड हम 4 बल्ब लगा देंगे चारों रिले पे, और फिर उसको मैं आपको ऑपरेट करके बताऊंगा कैसे कनेक्शन होगा। दोस्तों आपको अब मैं वायरिंग बता देता हूँ एसी लोड की, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बल्ब लगे हुए हैं, इन चारों बल्ब को जो है यहाँ पर 220 वोल्ट इस प्लग के थ्रू दिए गए। यहाँ पे फेज जो है यहाँ पे रिले पे आया है, और चारों रिले को फेज जो है चारों रिले से अलग अलग बल्ब को दिया गया है। और जो ब्लैक वाला है वो आप देख सकते हैं हर एक स्विच में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल डायरेक्टली दिया जाएगा, और जो फेस है वो रिले के थ्रू दिया। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर रिमोट से एक एक करके हर एक रिले को ऑन करते हैं, यहाँ चारों रिले ऑन हो गए हैं, इसी बटन को वापस दबाएंगे एक एक करके तो सारे रिले वापस बंद होते जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है पुश बटन है, यहाँ पर भी एक एक करके हम बटन दबाएंगे तो एक एक करके ये रिलेज ऑन हो जाएंगे। देखिए ये चौथा वाला रिले जो है, इसको यहाँ पर ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बटन से ऑन करके हम यहाँ पर रिमोट से ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से 2-way स्विच हमने फैसिलिटी दी है इस होम ऑटोमेशन सर्किट में। आई होप आपको तो जानना चाहूंगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।